अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्क राइड्स। आज हम ब्लू एरिया आए हैं किड्स एक्टिविटी कलेक्शन में। इनके पास बहुत अच्छी अच्छी साइकिल्स हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी ब्रांडेड साइकिल्स भी हैं, चाइनीज साइकिल्स भी हैं, देख सकते हैं। टॉय कार्स भी हैं इनके पास, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मौजूद है इनके पास। टॉय हैवी बाइक्स भी हैं और जीप्स भी हैं। सबसे पहले चलते हैं इनके शोरूम के रिव्यू की तरफ, उसके बाद फुल डिटेल बताएंगे आपको एक एक बाइसाइकिल की, टॉय कार्स की, आपको इनकी साथ प्राइसेस भी बताएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलें शुरू करते हैं। चलिए व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आप बाइसाइकिल्स देख सकते हैं, ये MTV है, शिमानो की शिफ्टर्स है इसमें, 7 स्पीड, 3 स्पीड। ये आप दूसरी साइकिल देख लें, इसी में ये ग्रीन कलर है, पहले ब्लू दिखाया था आपको, इसी में रेड कलर भी मिल जाएगा। इसकी प्राइसेस वगैरह जो हैं वो आपको लास्ट में इनके ओनर से बात करेंगे तो वो आपको बता देंगे। कॉन्टिनेंटल, ये वाइट कलर में, उससे आगे आपको कैस्पियन मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी साइकिल है, ये भी कैस्पियन का एक और मॉडल। ये भी कैस्पियन ही है, ये कॉन्टिनेंटल की मिल जाएंगी आपको। यार इसकी शेप अच्छी लग रही है। जे रवान रवान, एक दफ़ा पीछे से लुक दिखा रहे साइकिल्स की, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी साइकिल इनके पास अवेलेबल है। इनके पास आपको डिफरेंट कलर भी मिल जाएंगे, अब जैसे ये देख लें आप, ये आपको इसमें ब्लू, ग्रीन और रेड तीनों कलर मिल जाएंगे, जो आपको कलर पसंद हो उसके मुताबिक आप ले सकते हैं। इस तरफ रवान अगर आप कैमरे को घुमाएँ तो ये बच्चों की साइकिल्स हैं, ये डिफरेंट कंपनीज की हैं। जी रवान, ये डुअल शॉक्स के साथ है फ्रंट और रियर, ये आप दिखा दें, ये भी डुअल शॉक्स के साथ है। एक में रवान, यहाँ पे तीन तीन कलर अवेलेबल है। ये रोलेक्स की काफ़ी अच्छी साइकिल है, टायर्स भी देख लें आप, फ्रंट शॉक्स, छोटी सी बॉटल भी दी गई यहाँ पे। थोड़ा सा आगे आ जाए तो मेरे हाल में 21 इंच की बाईसाइकिल है, और ये प्रीमियम बाईसाइकिल है, काफ़ी अच्छी एल्विस कंपनी की है रोड बाइक। ये हमने साइकिल बाय निकलवाई है, इसमें भी ड्यूअल शॉक्स हैं। बैक पे आपको ब्रेक्स देख लें आप, ये आपको इसमें इसकी शिफ्टर देख लें, ये इसकी बैक गरारी, इसमें ड्यूअल शॉक्स हैं फ्रंट और रियर, जिससे काफ़ी कंफर्टेबल राइड हो जाती है। ये भी कैस्पियन की है, इसमें शिफ्टर्स दूसरे वाले दिए गए घुमाने वाले, ये आप देख लें, यह भी कैस्पियन की है, ये लड़कियों के लिए, 3-4 टाइप्स की अलग अलग कलर में अवेलेबल है। ये दोबारा से आप देख लें, काफ़ी अच्छी साइकिल है छोटे बच्चों के लिए, हर किस्म के डिज़ाइन में आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए आप दुकान दिखाएं तो ये अलॉय व्हील में अवेलेबल है, जिसको थोड़ी फैंसी साइकिल चाहिए तो वो भी अवेलेबल इनके पास। इसमें फ्रंट और बैक पे डिस्क है, और इसमें सिंगल गिरा रही है बैक पे, यहाँ पे अब ये देख लें, इस पर भी फ्रंट और बैक पे डिस्क है, लेकिन ये 7 स्पीड है। ये व्यूअर्स आप देख लें, ये लाइट्स ग्लो करती हैं, ये कलर भी चेंज होते हैं इसमें, काफ़ी अच्छी लग रही है। ये आप आगे देखें, ये भी हाइड्रोलिक शॉक्स के साथ है,
डुअल रिम में, फ्रंट और बैक दोनों पे डिस्क है, ये भी 7 स्पीड मिल जाएगी आपको। लेकिन निर्वाण आप दिखाएं तो इसके शिफ्टर्स थोड़े से अलग हैं, ये थोड़े अलग डिज़ाइन में, इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स दी गई हैं और इसकी शॉक्स भी हाइड्रोलिक हैं। इसके भी फ्रंट और बैक पे डिस्क ब्रेक है, ये जो थोड़े छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए जो 26 साइज नहीं चला सकते उनके लिए साइज अवेलेबल है। ये आप देख लें काफ़ी ज़्यादा साइकिल इनके पास अवेलेबल है और डिफरेंट डिफरेंट कलर में है। ये आप देख लें ये कॉन्टिनेंटल है, इसमें ज़्यादातर इनके पास इम्पोर्टेड ही होती हैं वाइट कलर में, हाइड्रोलिक ही हैं शॉक्स इसके। इसमें माउंट भी दिया गया है मोबाइल रखने के लिए, फ्रंट और बैक डिस्क ब्रेक हैं इसकी भी जो हाइड्रोलिक डिस्क है। ये आप इसकी सीट दिखा दें व्यूअर्स को, बान स्पोर्ट सीट दी गई है, इस तरफ आ जाएं तो आपको एक और साइकिल मिल जाएगी, ये भी लॉकेबल हाइड्रोलिक शॉक्स के साथ है। शिफ्टर्स दिखाएं रिवान व्यूअर्स को, ये 8 स्पीड है, दूसरी 7 स्पीड थी, ये बहुत अच्छी कंपनी की बाईसाइकिल, ये भी इम्पोर्टेड है, लॉकेबल हाइड्रोलिक शॉक्स के साथ, हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक है और इसके शिफ्टर्स आप रिवान दिखाएं तो बिल्कुल चेंज है, ये देखें ये शाइनिंग ब्लैक कलर में। अब रिवान की जो टॉयज कार हैं वो भी दिखा दें व्यूअर्स को, ये आप देख लें काफ़ी अच्छी टॉय कार है, ये बैटरी भी चलती है जी रिवान, ये बैटरीज वाली हैं, आगे भी दिखाएं अलग अलग डिज़ाइन की। ये बिनाली का एक बाइक आया उसकी तरह थोड़ा डिज़ाइन है इसका, काफ़ी स्पोर्टी बाइक लग रहा है, उसके आगे आपको टॉय हैवी बाइक मिल जाएगा छोटे बच्चों के लिए। इधर आ जाएं तो आपको ये एंटीक कार, जिन बच्चों को एंटीक कार्स का शौक होता है ये उनके लिए। ऊपर भी रुबान दिखाएं तो टॉयज जीप छोटे बच्चों के लिए, अभी इनके ऑनर से पूछेंगे कौन कौन से साल के बच्चों के लिए होती हैं। यहाँ पे हैवी बाइक, ये छोटी कार है जो पेरेंट्स है वो बच्चों को बिठा के चला सकते हैं ऊपर से इसको पुश करके। ये आगे आप दिखाएं ये हैवी बाइक डिफरेंट स्टाइल में, अलग अलग डिज़ाइन में, यहाँ पे भी आपको साइकिल्स मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इनके पास साइकिल की, इस्लामाबाद में बहुत कम है जिनके पास इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ होती हैं। ये बच्चों छोटे बच्चों के लिए 2-3 साल के बच्चों के लिए है, डिफरेंट स्टाइल्स में बहुत सारी कार हैं इनके पास, टॉय कार में भी। ये आप दिखा दें ये वॉक स्टाइल में, आगे आपको जगवार मिल जाएगी, ये कुछ फरारी टाइप कोई डिज़ाइन है, उससे आगे मर्सिडीज SLK डिज़ाइन में। ये आप आगे देख लें और स्पोर्ट्स कार, ये BMW, यहाँ पे भी आपको एक और डिज़ाइन में कार मिल जाएगी, मुझे इसका नाम नहीं पता, टॉय कार ही कहूँगा इसे। ये ऑडी की ऊपर भी आपको मिल जाएंगी, डिफरेंट कार्स हैं ऊपर, वाहन आप दिखाएं व्यूअर्स को, यहाँ पे घोड़े वगैरह भी अवेलेबल है बच्चों के लिए।
ऑल इन वन शॉप है। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सर्विस, इनके पास टॉयज़ हैं, बच्चों की कार्स हैं, साइकिल तो अवेलेबल हैं। ये आप अलॉय व्हील्स देख सकते हैं, साइकिल के अलॉय व्हील्स हैं। काफ़ी ज़्यादा टॉयज़ हैं, बच्चों के कार्स हैं। चलें रवान, अब इनके ओनर से बात करते हैं, उनसे डिटेल पूछते हैं इनके शोरूम के बारे में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक भाई। पहले तो आप ये अपना एड्रेस बता दें, कौन सी जगह पे? हमारा ये ब्लू एरिया में है, तबाक रेस्टोरेंट की बैक साइड पे। सही हो गया। आपके क्या नाम है शोरूम का? किड्स एक्टिविटी कलेक्शन के नाम से है ये। सही हो गया। मैंने देखा आपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन रखी हुई है, बच्चों की टॉयज, कार्स हैं, बाइसाइकिल्स, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की साइकिल्स रखी हुई हैं। मैंने भी आपसे बाइसाइकिल ली थी, इसी वजह से मैंने कहा पहले भाई के पास आना है। जी, हमारी जो शॉप्स का नाम है ना, किड्स एक्टिविटी कलेक्शन है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास हर किस्म की कलेक्शन है। इसमें हमारे पास बच्चों की, न्यू बॉर्न की भी चीज़ें होती हैं, बड़े बच्चों की भी होती हैं, वन ईयर प्लस की, फिर बड़ों की आ जाती हैं, साइकिल्स वगैरह, गाड़ी, बाइक, इस तरह की एवरीथिंग हमने हर चीज़ रखी हुई है। प्राइस वगैरह भी हमारी काफ़ी मुनासिब हैं, और बैक साइड हमारी शॉप है तो रेट काफ़ी मुनासिब हैं, और वारंटी वगैरह भी देते हैं, हर चीज़ की सहूलत है हमारे पास, डिलीवरी वगैरह भी देते हैं। सही हो गया। चले रुबान, अब शुरू कर डिटेल एक्सप्लोर करना। भाई मुझे बच्चों की ये कार्स नज़र आ रही हैं, इनकी पहले तो बताएं ये कहाँ से आती हैं, मतलब इंपोर्ट करवाते हैं आप? ये हम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं। चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं भाई। ये जैसे रेंज रोवर की लगी हुई है जी, ये रेंज रोवर की जो ओरिजिनल हमारी रेंज रोवर होती है, ये उन्हीं ने बनाई हुई है, उन्हीं की कॉपी है ये। और इसमें हाइड्रोलिक स्टेयरिंग में है, LCD स्क्रीन है अंदर, डोर वगैरह ओपन होते हैं, 12 वोल्ट बैटरी है इसकी, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की, टायर्स वगैरह में भी लाइट हैं। सही हो गया। इसकी भाई क्या प्राइस है? ये प्राइस इसकी हमने कर रहे हैं 30,000। इसमें जो चाइना की आती है ना, इसमें चाइना की हल्की क्वालिटी की भी आती हैं, अच्छी भी आती हैं। ये चाइना की अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है और इसकी प्राइस भी मुनासिब है। सही हो गया भाई। आगे मुझे जगुआर नज़र आ रही है, 25,000। ये भी 12 वोल्ट बैटरी में, डोर वगैरह ओपन होते हैं, रिमोट कंट्रोल भी है। सही हो गया। ये मुझे एक और स्पोर्ट्स कार नज़र आ रही है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता, इसकी क्या प्राइस हुई? ये मिलेगी 15,000 की। 15,000 की। सही हो गया। ये आगे ब्लैक लगी हुई है, 16.5 की, 16,500 की। ट्रेलर बाइक है, इसकी क्या प्राइस है? ये 14,000 का है। 14,000 का। सही हो गया। इसमें ये बड़ा है, ये बड़े साइज़ का है, ये मिलेगा 18,000 का, 12 वोल्ट बैटरी में है, उसके रबड़ के टायर हैं, हवा वाले। सही हो गया। इनकी कोई वारंटी वगैरह भी होती है? 1 ईयर वारंटी होती है, 12 वोल्ट बैटरी है इसमें भी। सही हो गया भाई। मुझे ऊपर जीप नज़र आ रही है, ये है भी थोड़े बड़े बच्चों के लिए? जी, ये बड़े बच्चों के लिए। इसमें हमारे पास ये सबसे बड़ा स्टैंडर्ड साइज़ पड़ा हुआ है जीप में, वो छोटा साइज़ है, 3 to 5 years के लिए होता है। इसमें 4 मोटर्स लगी हुई हैं, रॉकिंग है, स्विंग है, इसके अलावा डोर वगैरह ओपन होते हैं, रिमोट कंट्रोल भी है। इसकी क्या प्राइस है भाई, ब्लैक वाली जीप की? ब्लैक वाली 35 की है, नया की वाइट वाली वो मिलेगी 30 की। नीचे आ जाए तो ये मुझे ओल्ड फैशन कार नज़र आ रही है। हाँ, ये काफ़ी पुराना मॉडल है, रखा हुआ है ये शो के लिए, रखा हुआ है शॉप के लिए, इसको हम सेल नहीं करते हैं। अच्छा जी, सही है। वैसे इसकी क्या प्राइस होगी? ये 18,000 इसकी प्राइस है। सही हो गया। ये वाली भाई? ये 15 की है। 15,000 की है। ये मुझे बाइक नज़र आ रहे हैं बैटरी में, सारी 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट। सही होगा भैया। मुझे हैवी बाइक नज़र आ रहे हैं, ये इतने प्यारे डिज़ाइन के, मैं कह रहा हूँ उनको मैं ही ले जाऊँ। क्या प्राइस है ये जो हैवी बाइक है? ये हैवी बाइक मिलेगा 15 का, 15,000 का। दूसरा ये वाइट वाला साथ खड़ा हुआ है, ये 12 वोल्ट बैटरी में है, रबड़ के टायर हैं, शॉक्स लगा हुआ है इसमें बैक साइड पे, और ये मिलेगा 20 का। ये ऊपर जो हैवी बाइक्स है ये भी इसी प्राइस रेंज में, 15, 18, 20। सही हो, रेंज में, मतलब इतनी रेंज में। ये रुबान नीचे दिखाइएगा, ये काफ़ी बड़े साइज़ की मुझे लग रही है, मैं हमें 7 से 8 साल के बच्चे के लिए। जी, 7-8 साल के बच्चे के लिए। इसकी क्या प्राइस होगी? 35,000 की है। इसमें रुबान अब दिखाएं, काफ़ी स्टाइलिश डिज़ाइन है इसका जीप का, के डोर जो है ऑटो डोर है, बटन से जो है ना ओपन होते हैं और क्लोज होते हैं। सही हो गया। इसमें भी 4 मोटर लगी हुई है चारों टायरों में, 12 वोल्ट बैटरी है। सही हो गया भाई। ये चार्जेबल होती हैं? जी, रिचार्जेबल होती हैं, 2 आवर चलती हैं, उसके बाद फिर चार्ज करना पड़ता है। सही हो गया। तो वहाँ ऊपर दिखाइएगा, ये मुझे काफ़ी पसंद आई थी, ये भाई वीगो शेप में जी, ये काफ़ी अच्छी लग रही है, स्टाइल इसका आगे से मर्सिडीज वाला ही लग रहा है मुझे जी। मर्सिडीज शेप में ये पेंट हुई भी है सारी, पेंट क्वालिटी इतनी अच्छी है, इसमें शॉक्स वगैरह लगे हुए हैं, डोर इसके भी ओपन होते हैं जी। इसकी क्या प्राइस अभी? ये 30 की है।
देख ले डोर ओपन किया हुआ। चले अरवान आप साइकिल की तरफ आते हैं। भाई पहले तो बताएं ये कौन सी साइकिल है? ये साइकिल माउंटेन बाइक है। 8 गियर बैक पे हैं, 3 फ्रंट पे हैं, 24 गियर के साथ है। सही हो गया। और अलॉय फ्रेम में है, 27 इसका टायर का साइज है, 20 इसका फ्रेम का साइज है। सही हो गया। और फ्रंट सस्पेंशन जो है इसकी लॉक वाली है, हाइड्रोलिक सस्पेंशन है। जी हाइड्रोलिक। इसकी क्या प्राइस अभी? ये 38,000 की है। 38,000 की है। मुझे पीछे खड़ी हुई थोड़ी बड़ी लगी है मुझे। जी वो 29er है, उसमें भी हाइड्रोलिक ब्रेक है और सस्पेंशन लॉक है, अच्छे ज़बरदस्त गियर सेट लगा हुआ है। मैंने देख रहा हूँ इसमें कंदारा के टायर लगे हैं, जो मतलब बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी के टायर हैं। और इसकी सीट वगैरह भी कंफर्टेबल है, चेंजर गियर्स वगैरह हर चीज़ इसकी बेहतरीन है। इसकी क्या प्राइस है? ये 60,000 की। 60,000 सही हो गया। और ये टॉपिक्स ब्रांड की है, ये भी हाइड्रोलिक ब्रेक में सस्पेंशन लॉक है और काफ़ी अच्छी बेहतरीन साइकिल है। इसकी क्या प्राइस होगी भाई? ये 95,000 की है। 95,000 की है। ये कुछ ज़्यादा स्पेशल है? बैरिंग सिस्टम सारा लगा हुआ है और ये ब्रांडेड गियर लगे हुए, शिमानो एल्टस। मैं देख रहा हूँ इसमें मैक्सिस का टायर लगा हुए। जी मैक्सिस थाईलैंड के टायर हैं। सही हो गया। इसी वजह से इनकी प्राइसेस होती हैं, क्योंकि इनकी चीज़ें भी अच्छी लगी होती हैं। देखें आप इसका गियर सेट, शिमानो एल्टस। जी मैं देख रहा हूँ जो इतने भी मतलब के अच्छे साइकिल्स होती हैं उनमें एल्टस के आते हैं। एल्टस के आते हैं बिल्कुल। इसमें देख रहा हूँ माउंट भी लगा हुआ है मोबाइल के लिए भी। जी बिल्कुल जी, इसका जेन्युइन आया साथ इसके। सही है। अच्छा मैंने देखे हैं कोई लोग होते हैं जो मतलब शॉप्स वाले उतार लेते हैं इनको, ऐसी चीज़ों को। हम जो चीज़ साथ आती है वो साथ ही लगा के खड़ी कर देते हैं। अच्छी बात है ना भाई। ये साइकिल्स की एक पूरी वैरायटी रिवान दिखाएं आप ज़रा भी उसको। हर किस्म की साइकिल इनके पास अवेलेबल है। जी इसमें हर किस्म की माउंटेन बाइक भी है, हाइब्रिड भी है, 24 साइज़, 26 साइज़, बड़ों की छोटों की हर किस्म की, ब्रांड में अनन ब्रांड हर किस्म की साइकिल अवेलेबल। ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है कॉन्टिनेंटल। इसकी क्या प्राइस है? कॉन्टिनेंटल जो है 18,000 की है। 18,000। ये कम प्राइस में, ये ब्रांडेड नहीं है, ये अनन ब्रांड है, चाइना की बनी हुई है। अच्छी साइकिल है, एक नॉर्मल प्राइस में अच्छी बेहतरीन साइकिल। और ये भाई साथ वाली इसके? फिर ये क्रोनस की आ जाती है, ये 55 की है। ये जो भाई ने हाथ रखा हुआ है ये वाली 24 की है। सही हो गया। येलो वाली इनका मेटल फ्रेम है, ये अलॉय फ्रेम में है ना, ब्लैक वाली। शिमानो भाई कॉन्टिनेंटल जो है ये ग्रे वाली। जी 18 की है। ये अलॉय में है या मेटल में? मेटल में। मेटल में। इसकी क्या प्राइस है भाई? ये भी एल्युमिनियम फ्रेम में है, 24 गियर के साथ है, हाइड्रोलिक ब्रेक है, सस्पेंशन लॉक हो जाती है इसकी। ये 40,000 की है। 40,000। व्यूअर्स आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ हैं इनके पास। ये हाइब्रिड साइकिल है, इसके टायर देख लें आप। अच्छा सबसे अच्छी मैं देख रहा हूँ हाइब्रिड साइकिल ही चलती है जी आजकल, ज़्यादातर हाइब्रिड चल रही है, क्योंकि इनके जो टायर है ना वो रोड के लिए बने हुए हैं। ये जो साइकिल्स हैं ये रोड पे स्लो चलती हैं जी। मैंने खुद बाइक की थी तो रोड पे स्लो चलती हैं, जो माउंटेन बाइक है तेज़ चलती हैं। तेज़ चलती हैं, तो आप रोड पे भी चला सकते हैं और ऑफ रोड भी कर सकते हैं। सही है। इनके टायर भी काफ़ी अच्छे होते हैं, चल जाते हैं 2-3 साल आराम से, मसला नहीं करते। इनकी क्या प्राइस है? 40,000 की। इसमें आपने अभी दिखाई थी LEDs भी लगी हैं। LEDs भी लगी हैं और ये जेन्युइन कंपनी की तरफ से लग के आई हैं इसमें। सही। मैं भी देख रहा हूँ, देखें फिटिंग देखें, बिल्कुल फ्रेम के अंदर इन्होंने लगाई हुई है जी। और वन पीछे दिखाएं, वो बैग है, उसमें बैग है, इसके बैग में साथ पड़ा हुआ है इसका पावर बैंक के साथ। भाई ये चार्ज होती हैं लाइट्स? नहीं वो पावर बैंक चार्ज होता है। अच्छा पावर बैंक को निकाल के चार्ज कर ले। निकाल के चार्ज कर ले। सही हो गया, ये तो काफ़ी इजी है जी। ये मिनिमम जो है इसमें 7,000 से 16-18,000 तक है। सही हो गया। बच्चों की साइकिल में काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी है इनके पास। ये मुझे काफ़ी अच्छी साइकिल लग रही है, ये ऊपर जो रखी है आपने स्पेशल रोड बाइक। एलवेज ब्रांड की है रोड बाइक, ये तो काफ़ी बड़ा ब्रांड है बच्चों के लिए जी। इसकी क्या प्राइस है भाई? 25,000 की है ये। कि जो माउंटेन बाइक आती हैं जी, उसकी प्राइसेस लाखों में हाइब्रिड भी आती हैं जी बिल्कुल। तरफ भी काफ़ी ज़्यादा साइकिल्स हैं इनके पास हैं, कलर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कलर्स आपके पास अवेलेबल हैं जी। मुख्तलिफ कलर्स में हैं, ये बॉट्स के नाम से है, ये एल्युमिनियम फ्रेम में है, अलॉय फ्रेम वाली जो बांधी दिखाई दे रही है वाली माउंटेन बाइक। मैं देख रहा हूँ ये मैट कलर में काफ़ी अच्छी लग रही है, मैट फिनिश में है ये, इसकी प्राइस भी काफ़ी मुनासिब है। अलॉय फ्रेम के साथ ही हम दे रहे हैं 18,000 की।
ये आगे कॉन्टिनेंटल रखी हुई है, कॉन्टिनेंटल है ये, 16,000 की है मेटल फ्रेम में। ये कैस्पियन जो है, ये कैस्पियन 15,000 की हैं, तीन इसमें कलर हैं, मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। ये कॉन्टिनेंटल फिर आ गई वाइट वाली जी, ये 16 की है, 16 की है। ये एप्पल की है, एप्पल के नाम से। ये 24 साइज में है, डिस्क ब्रेक गियर्स के साथ हैं। ये इनका फ्रेम मेटल है, मेटल फ्रेम में है ये। ये मिलेंगी 15,000 की, 15,000। कोई थोड़ी बहुत कमी हो सकती है जितनी भी साइकिल जी? बिल्कुल, जिस जो भी पसंद आएगी साइकिल कस्टमर को उसमें कमी भी हम कर देते हैं। सही होगा ये भाई, ये ऊपर जो टॉयज लगे हुए हैं छोटे न्यू बॉर्न के होते हैं, बाउंसर्स हैं, एक्टिविटी जिम है। और जैसे ये टॉय है ये सब सामने लगा हुआ, इसकी क्या प्राइस होगी? ये 750 का है। 750 का मतलब नॉर्मल प्राइस जी? नॉर्मल प्राइस है। सही होगा। ये जो नीचे लैम्बोर्गिनी लगी हुई है ये इसकी क्या प्राइस है? 1500 की है। ये हमारे इधर भाई की स्टीयरिंग वाली कार पड़ी हुई है, ये BMW के नाम से है, ये 2000 की। ये भी रिचार्जेबल है, राउंड स्टेयरिंग में आई है ये। सही है। जैसे अब किसी ने बाइक की है तो वो इसको रिपेयर करने के लिए आपके पास ले गया जी? रिपेयर की भी सहूलत हमारे पास मौजूद है। ये जो नई बाइक्स होती हैं इनकी हम 1 ईयर की वारंटी देते हैं, कोई भी पार्ट्स इसमें ख़राब हो जाए तो 1 ईयर में हम चेंज करके देते हैं। सही है। और उसके अलावा जिस कस्टमर ने हमारे से नहीं ली हुई वो भी हम यहाँ पर रिपेयर करते हैं। हर चीज़ हमारे पास ओरिजिनल पार्ट्स भी होते हैं शिमानो के, और चाइना के सस्ते भी होते हैं, लोकल भी होते हैं, हर किस्म के टायर्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, कैंडा के, मैक्सिस के, हम लोकल टायर। मैक्सिस के टायर भी आपके पास अवेलेबल हैं? मैक्सिस के भी। सही है। अगर किसी ने लगवाने हैं तो आपके जी वो मिल जाते हैं। अगर कोई मैक्सिस के टायर लगवाना चाहे 26 इंच साइज में तो उसकी क्या प्राइस होगी दो टायर्स की? वो 3000 के दो टायर्स हैं। सही है। वो 26 में ट्यूब अलग है? ट्यूब अलग है, ट्यूब 500 की है, अच्छी ट्यूब। सही है। ये आप देख लें, ये चाइल्ड सीट पड़ी हुई है कार में लगाने के लिए। भाई इनकी क्या प्राइसेस है, कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कितना तक जाती हैं? ये मिनिमम 7000 से स्टार्ट होती हैं, 25-30,000 तक होती हैं। सही है। इसमें ये फर्स्ट पे लगी हुई फेयर गार्डन ब्रांड की है, फ्रांस की है ये। इसकी क्या प्राइस है? 25,000 की है ये। साथ लगी है हनम ब्रांड के नाम से है, कोरिया की है ये, 20,000 की है। सही हो गया। मेरी साथ इसके में एक कलर है और थोड़ा सा मॉडल चेंज है ब्लू वाली। भाई जो आपने अभी टॉयज कार दिखाई है, अगर कोई बंदा इसे बाय करता है तो इसमें कोई मसला वगैरह आता है तो उसका क्या? वो भी हमारे पास सहूलत मौजूद है रिपेयर की इनकी। सही हो गया। पार्ट ख़राब हो, सर्किट या बैटरी चार्जर, वो हम चेंज भी कर देते हैं। आपके पास अवेलेबल होते हैं चार्जर? अवेलेबल होते हैं। सही है। तो इनकी भी कोई वारंटी वगैरह होती है? इनकी भी 1 ईयर की वारंटी हम देते हैं। वारंटी में इसका क्या होता है? मोटर होती है, सर्किट होता है। सही हो गया जी। मतलब अमूमन जल जाता है या कोई पानी शानी पड़ जाए उससे ख़राब हो जाता है जी, तो हम 1 ईयर में आपको करके देंगे ठीक। सही होगा। मतलब अगर कोई ठीक करवाए तो उसकी क्या प्राइस होगी? अगर वो उससे ख़राब हो तो हम उसे चार्जेस लेंगे 2000-2500 इस तरह। मतलब वो देखा जाता है अगर जल क्या ख़राबी है, जल जाए तो वो पूरा सर्किट अगर चेंज हो तो वो 2500 का होता है। सही होगा। वैसे नॉर्मली 500-1000 इस तरह इसमें चार्जेस लगते हैं। आपका शोरूम बैक साइड पे, वैसे आपकी रेट हमारी अपनी है इस वजह से रेट हमारे मुनासिब हैं। ये अगर फ्रंट पे हो तो फिर रेंट की शॉप हो तो फिर इसके किराए ज़्यादा होते हैं। अपनी शॉप है जी, शॉप अपनी है, इस वजह से हमारे काफ़ी मुनासिब रेट हैं। भाई पिंडी में कोई जाता है तो उधर भी इतनी प्राइसेस आपको मिलती हैं और चीज़ भी वो चाइना की होती है? जी चाइना की होती है। बस कस्टमर का एग्जाम होता है कि पिंडी में चीज़ सस्ती मिलती है, वैसे ब्लूरी में भी। मैं भाई पहले वो पिंडी से लेता था, मैंने पिछली बार आपसे बाईसाइकिल बाई की थी, कई दिन दूर जाए तो फिर भी आपको चाइना की चीज़ मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो चाइना को चाइना है ठीक है, आप बता के चाइना बेचें, वो बताते नहीं है, वो कहते हैं भाई ये जापानीज है, ये इस तरह करके बेचते हैं। हमारे पास ये मैंने जो ब्रांडेड साइकिलें बताई ये भी जो ट्रॉपिक्स ब्रांड है ये जर्मन है, पर ये बनी हुई चाइना में अंडर लाइसेंस बनती है, अच्छी क्वालिटी की होती है। जो चाइना की डायरेक्टली बनी आई भी होती हैं वो भी आपके सामने क्वालिटी होती है इनकी। चलें भाई शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके शोरूम पे आके। इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाएंगे आप जब आपके पास नई वैरायटी आएगी। जी ज़रूर। चलें भाई, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। चलें आपको हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।